Welcome back. You're watching Roving Camera. And I'm bringing you the highlights of all the happenings of in and around Parliament in the week gone by. The 77th Conference of the Presiding Officers of the Legislative Bodies in India, which was inaugurated by the Honorable Speaker Lok Sabha and Chairperson of the Conference, Srimati Sumitra Mahajan, concluded on the 1st of February. Srimati Mahajan addressed the gathering on the concluding day. Take a look. Addressing the delegates at the conclusion of the conference, the Honorable Speaker Lok Sabha, Srimati Sumitra Mahajan, commended the presiding officers on the high level of discussion of both the items of the agenda. Referring to the discussion on the first item of the agenda, vis-a-vis role of Parliament in democracy, in which as many as 17 presiding officers participated. The session that lasted for 2 hours and 26 minutes had very engrossing and fruitful deliberations. The presiding officers were unanimous in their view that the legislative bodies have a critical role to play in the development of the nation, particularly by thoroughly scrutinizing the government policies as well as legislations, especially those concerning socio-economic and welfare issues, and ensuring their effective implementation. As elected representatives of the people, primary objective of the presiding officers is to ensure the last mile delivery. हमने दो दिन के लिए दो विषय चुने थे कि एक डेवलपमेंट में संसद का हिस्सा, सदस्यों का हिस्सा और विधानसभा या संसद उसका भी हिस्सा और अध्यक्ष की भूमिका, ये सब को लेकर के करीब करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि कि करीब 15 से ज़्यादा पीठासीन आदि अध्यक्षों ने इसमें हिस्सा लिया। थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा था तो कुछ लोगों ने लिखित रूप से अपने सुझाव उसमें दिए हैं, वो प्रोसीडिंग में फिर आएंगे। और एक प्रकार से डेवलपमेंट में अपना हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है और उसके लिए सदन चलाना, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो करके कोई भी बिल पास होना ही आवश्यक है, ये पीठासीन अधिकारियों की भी इच्छा है और उसके लिए प्रयास करना हमें भी करना चाहिए। किस तरीके से हम करें, कई सारे सुझाव इसमें आए हैं इन विषयों पे। दूसरा जो विषय हमने रखा था कि अब सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, नई बातों से हमें भी जुड़ना चाहिए। पेपरलेस पार्लियामेंट में 2-3 बातें हैं। पर्यावरण, ये एक बात तो है कि टनों कागज खर्च होता है, बाद में उसकी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं होती है। पार्लियामेंट मेंबर हो या विधानसभा का सदस्य हो, उसको कई प्रकार के रिपोर्ट्स, कई प्रकार के कागज रोज रोज मिलते रहते हैं, उसका क्या करना नहीं समझ में आता। और करे तो भी, जैसा मैंने भी, हमारा भी उदाहरण दिया, आप भी उसमें हैं, कि हमने कुछ लोगों ने तो व्यवस्था करी थी कि उसको कहीं एक रखा जाए लोगों को देखने के लिए, फिर भी इतना कागज खर्च होना चाहिए कि नहीं, ये एक विषय भी उसके पीछे था। खर्च भी बहुत ज़्यादा, प्रिंटिंग का भी खर्च, एक हमारे मध्य प्रदेश के सदस्य ने बहुत अच्छी बात रखी कि प्रिंटिंग का भी तो खर्च होता है, और कैसे एक तो खर्च भी कम हो जाए, पर्यावरण का भी बचाव हो जाए, इतने सारे कागज बांटना नहीं पड़े। इसके लिए पेपरलेस पार्लियामेंट अगर नहीं तो भी लेस पेपर पार्लियामेंट का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि कम से कम कागज की छपाई हम कैसे कर सकते हैं तुरंत। The Honorable Speaker, Lok Sabha, Srimati Sumitra Mahajan.